फ्रेंड्स, ये है ओप्पो F17 CPH2095। चलिए देखते हैं पैटर्न लॉक या पिन कोड कैसे अनलॉक किया जाता है, और उसके साथ FRP अगर रहता है, गूगल अकाउंट रहता है, तो उसको भी अनलॉक करके हम दिखाते हैं आज। पहले तो आप स्विच ऑफ कर लीजिए। अब पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करना पड़ेगा। जब भी डिस्प्ले कुछ आएगा तो पावर बटन को छोड़ दीजिए और वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके रखिएगा रिकवरी ऑप्शन आने के टाइम तक। ये आ गया रिकवरी ऑप्शन। इसमें लैंग्वेज है, इंग्लिश में जाइएगा, फिर वाइप डाटा। वाइप डाटा में ऊपर में आगे जाइएगा ना, तो उधर पे पासवर्ड मांगेगा जो आपका दिया हुआ है, लेकिन आप तो नहीं जानते हैं। इसके लिए आप बैक में जाके नीचे फॉर्मेट, इधर पे एक पिन कोड देगा, ये आप टच लिख दीजिए पिन कोड को जो भी है। फॉर्मेट, ये हो रहा है आपका फॉर्मेट, मतलब वाइप डाटा हो रहा है आपका, जो भी है सब वाइपिंग हो रहा है, सब फॉर्मेट हो गया ये। अब आपका ये चालू हो जाएगा और जो गूगल अकाउंट आपका दिया हुआ था पहले का, उसमें आके ये स्टॉप हो जाएगा। अभी आपका जो गूगल आईडी पहले दिया हुआ था, वो आपको अगर याद है तो सही है, नहीं याद है तो उसको भी अनलॉक करना पड़ेगा। अभी अनलॉक करने का ओप्पो का ये जो सिस्टम है, *8 1 2#, और कॉल करने से ये अनलॉक हो जाता है गूगल आईडी, लेकिन इधर पे नहीं हो रहा है। *1 8 1 3 पर भी होता है, लेकिन नहीं हो रहा है, मतलब ये सिस्टम बंद है। तो अभी इसको आसान तरीके से खोल लेंगे, उसको देख लीजिए। पहले तो कोई भी वाईफाई से आप कनेक्ट कर लीजिए मोबाइल को। अभी सिम ट्रे को खोलना पड़ेगा और एक पिन कोड लगा हुआ सिम चाहिए होगा। चलिए दोस्तों, मेरे हाथ में है एक पिन कोड लगा हुआ सिम, जिसका कोड है 0000। तो ये मुझे अभी अंदर डालना पड़ेगा।
अभी जो स्टेप मैं दिखाने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। सिम इजेक्टर को ले लिया, लेकिन पुश नहीं करना है। अभी 0000 जो पिन कोड है उसको डाल करके ओके प्रेस करने के बाद ही साथ साथ सिम इजेक्टर को प्रेस करना है। ध्यान से देखिएगा, इधर मैंने पिन कोड दिया, ओके प्रेस किया और इजेक्टर से बाएं हाथ से इजेक्ट कर दिया। ये आपका जो मेनू आ गया ना, फिर से देख लीजिए, ये चला जाता है, फिर से करना पड़ता है। 0000 दिया, टच किया और इधर पिन इजेक्ट किया, तो ये आपका हो गया, मेनू आ गया। इसको नीचे थोड़ा सा ड्रैग करना है, ऊपर में ये जो आपका ऑप्शन आ जाएगा ना, लाइट को थोड़ा बढ़ा लिया। अभी देखिए इसके ऊपर सेटिंग है टच के लिए। इसके अंदर अभी जो मैं प्रोसीजर आपको दिखा रहा हूँ, एक के बाद आप वो करते जाइएगा। अभी हमें ढूंढना है एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग के अंदर जाना है। अभी सिलेक्ट करना है एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मोड। अभी सिलेक्ट करना है एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, इसको ऑन कर देना है। ओके, अब ये जो आ गया ना आपका एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का शॉर्टकट की नीचे, यही हमें चाहिए। अभी हमको बैक जाना है। हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं। अभी नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, इधर पे आके आपको टोन कॉपी, फिर इधर ध्यान से दिखिएगा। अभी इधर पे आके नीचे जो एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट था उसको ओपन करके सामने वाला ऑप्शन को टच करना पड़ेगा। अब ये ऑप्शन आ गया, इधर कीबोर्ड पे टच करेंगे, कीबोर्ड पे जाके सर्च करेंगे, फिर हम लिखेंगे सेटिंग्स, मतलब सेटिंग SETTING, सेटिंग के अंदर जाएंगे, ये सीधा मोबाइल का सेटिंग में चला जाएगा। अभी ऐप मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा, जो भी एप्लीकेशन है उसका मैनेजमेंट में आना पड़ेगा। इधर पे ऐप इन्फो, ऐप लिस्ट, इधर पे आपको ढूंढना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर। फिर यूजेस डाटा में जाना पड़ेगा, यूजेस स्टोरेज, इधर पे आपको क्लियर डाटा, बैक, फोर्स स्टॉप, प्ले स्टोर को फोर्स स्टॉप करने के बाद बैक। फिर प्ले सर्विसेज में जाना पड़ेगा, उधर पे यूजेस डेटा, क्लियर डेटा, ये हो गया। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर ऐप मैनेजमेंट, उसके बाद
इन्फो ऐप लिस्ट, प्ले सर्विसेज, स्टॉप प्ले सर्विसेज, स्टॉप हो गया, बैक। आप ध्यान से देखिए, एक बार बैक और एक बार बैक, जस्ट, ज़्यादा बैक नहीं आना है, इधर पे आके छोड़ देना है, अपने आप को लेगा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये थोड़ा टाइम लेगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, मतलब ये बाईपास हो गया। अभी आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको मेन स्क्रीन में ला सकते हैं। ये आपका हो गया रेडी। ये आपका रेडी हो गया। अभी आपको करना क्या है, एक बार सेटिंग में जाके रीसेट कर लीजिए, इरेज ऑल डेटा,